आज एक्सप्रेस में हूँ आपकी सब खबरें जानने में साथ से, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहाँ एक व्यापारी से 30 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। 25 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। डेयरी प्राइवेट के लिए डेयरी प्रोजेक्ट के लिए व्यापारी को लोन की जरूरत थी। एक कंपनी के डायरेक्टर हैं आरोपी आयुष अग्रवाल के साथ हुई धोखाधड़ी। आपको बता दें कि आयुष अग्रवाल एल्यूमिनियम और यूपीवीसी का व्यापारी है और ठगी करने वाले आरोपी मुकेश पांडे और गिरिराज सिंह पूनम पश्चिम कृषि प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुआ व्यापारी अहमदाबाद में आया था, आरोपियों के संपर्क में था। आरोपियों ने उसे डेयरी प्रोजेक्ट के लिए लोन दिलाने के नाम पर दो किस्त में 30 लाख रुपए अपने खाते में जमा कराकर नहीं दिलाया लोन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। डेयरी के नाम पर लोन दिए दिलवाने के नाम पर ठगी की गई है। और आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत संस्था हेमंत शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हेमंत, ठगी किए जाने का मामला बताया जा रहा है, पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, पूरा मामला कल की है। जब यहाँ पर व्यापारी आए तत्काल, उन्होंने कल रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके साथ जो डेयरी फार्म खोलने के नाम से लोन दिलाने के नाम से करीब 30 लाख रुपए की ठगी उनसे हुई है। उनसे 25 करोड़ रुपए लोन दिलाने का झांसा दो जो व्यापारी हैं, जो कृषि प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, एक विनय पांडे और ये गिरिराज सिंह, ये दोनों ने उनके साथ ठगी की थी। और उसके बाद दो किस्त में उन्होंने 30 लाख रुपए जमा भी करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनको लोन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद कल उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश जारी कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बाहर भी रवाना कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं बलौदाबाजार से